नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। करीब 17 महीनों बाद जेल से बाहर निकलने के बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, क्योंकि आगामी कुछ महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। और आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू मनीष सर। और जिस तरीके से आप लोग नारा लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, क्या कारण है? हमारे लिए उन लोग ने देश के लिए इतना कुछ करा और हम भी यही चाहते हैं कि हम ऐसे आगे वो बढ़े, हम भी रहें यही। और हम ये चाहते हैं, हमारा सपना है कि देश के अंदर गोल्ड मेडल लेके आए हॉकी का, और हमारे लिए मैदान दिया खेलने के लिए। किसने मैदान दिया खेलने के लिए? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जी ने किसने खेलने के लिए मैदान दिया है? मनीष सिसोदिया ने हमारे लिए इतना अच्छा ग्राउंड और जो हॉकी स्टिक फ्री में मिल रही है, हमें यूनिफॉर्म भी देते हैं अच्छे से, मेरे कोच भी इतने सर अच्छे मिले, हमारे कोच इतने अच्छे हैं कि हमें हर एक छोटी छोटी बताते हैं क्या छोटी छोटी स्किल। मनीष सिसोदिया जिंदाबाद। मनीष सिसोदिया जिंदाबाद। मनीष सिसोदिया जिंदाबाद। मनीष सिसोदिया को लेकर देखे किस तरीके से सहाद्रा में भीड़ है, सहाद्रा विधानसभा में, और लगातार मनीष सिसोदिया दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और जनता से बातचीत कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जी फिलहाल अभी जेल के अंदर हैं, लेकिन जब से मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं नए तेवर और नए ऊर्जा के साथ, जिस तरीके से जनता से मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी खुशी का पल है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर निकलना आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी सुखद है। और आप देखिए कितना भीड़ है, जनता में काफ़ी जोश है। इस तरीके से स्वागत कीजिएगा मनीष सिसोदिया, आपके क्षेत्र में आए हैं, करीब 17 महीनों बाद जेल से बाहर निकले हैं। तो हमारे एक शेर आए हैं, बब्बर शेर, जो शिक्षित लोगों को करेगा, जो कहते ना ऐसे अनपढ़ से लेके ज्ञानी तक बना देगा। और शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, मेरा ये मानना है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। आपका क्या मानना है मुझे नहीं पता, लेकिन शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। एक नारा है कि मनीष सिसोदिया आ गए, केजरीवाल भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जब कुछ किया ही नहीं है तो कैसे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है मैम, नमस्कार। मैम नमस्कार, शुभ नाम क्या हुआ आपका? संतोष शर्मा। संतोष जी, क्या कहिएगा, मनीष सिसोदिया आपके क्षेत्र में आए हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, 17 महीनों बाद करीब जेल से बाहर निकले हैं। बहुत, जब इन्होंने कुछ करा ही नहीं था तो ये तो जबरदस्ती बीजेपी वालों ने अंदर कर रखा था कि इन्होंने शिक्षा अच्छी, अस्पताल अच्छे, मोहल्ला क्लिनिक सारी चीज अच्छी थी, इन्हें हजम नहीं हो रही थी इन्हें बीजेपी वालों को, खासकर मोदी को, उनकी ताकत है, ताकत में किसी भी नेता को अंदर कर रहे हैं वो। अभी भी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आप लोगों को भरोसा है? भरोसा आएंगे, वो आएंगे जब उन्होंने कुछ करा ही नहीं, जबरदस्ती अंदर कर रखा उन्होंने। तो दिल्ली की जनता किसके साथ है? केजरीवाल जी के साथ। केजरीवाल जी के साथ? हाँ, पक्का पक्का। ये आ गए हैं अब, केजरीवाल जी भी आ जाएंगे और हमारी दिल्ली की जनता इन दोनों के साथ है। सहाद्रा क्या, और स्थानीय जनता से हम बातचीत करते हैं, आपका क्या नाम हुआ? मोहन ठाकुर। मोहन ठाकुर जी, मनीष सिसोदिया आपके क्षेत्र में आए हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या कहिएगा, कैसे स्वागत करेंगे आप? बहुत बढ़िया से करेंगे, बहुत अच्छा, एक नंबर करेंगे। किस पर भरोसा है आपको, बीजेपी पर या फिर आम आदमी पार्टी पर? आम आदमी पार्टी पर। हाँ, ऐसा क्यों, क्या अच्छा लगा आपको आम आदमी पार्टी में? क्यों, सब कुछ कर रहे हैं, बिजली फ्री कर रहे हैं, बस फ्री कर रहे हैं, पानी फ्री कर रखे हैं, गरीब को रोजी रोटी पर से कोई आते हैं तो लाठी मार करके, गाली कर पड़ करके भगा देते हैं, विकलांग आदमी हूँ, कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या कहूँ। आपको किस पर भरोसा है? हमको इस आम पार्टी पर भरोसा है, आम पार्टी भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। आपका क्या नाम हो दीदी? सपना। सपना, हाँ जी। सपना जी, आप क्या लेकर आई हैं, दिखाइए थोड़ा कैमरे पर। देखिए यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं पैम्पलेट लेकर आई हैं, होर्डिंग लेकर आई हैं, मनीष सिसोदिया आ गए, केजरीवाल भी आएंगे। और यहाँ पर देखिए मनीष सिसोदिया जी का फोटो है, केजरीवाल जी का फोटो है, और तमाम महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। क्या कहिएगा, मनीष सिसोदिया आप लोग से आकर मिले, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या मनीष सिसोदिया ने क्या कहा आपको? बहुत, सब बहुत अच्छा, अच्छी बातें करी जो हमको समझ में आई। हाँ, सबके हित के लिए बात की है, सबके हित के लिए बात की है कि केजरीवाल बहुत जल्दी छूटेंगे, बहुत जल्दी से आएंगे। केजरीवाल जी काम कर रहे हैं? हाँ जी। आप लोग किस पर भरोसा है दिल्ली में, बीजेपी पर या फिर केजरीवाल पर? हमको केजरीवाल पर भरोसा है। केजरीवाल, हाँ जी। लेकिन केजरीवाल जी तो अभी फिलहाल जेल में, तो
और बाकी सब जो करने कार्यकर्ता है वो सब तो केजरीवाल के हित में ही है ना, सब कार्यकर्ता के साथ। आप क्या कहेगा अम्मा, मनीष सिसोदिया जी मिले आपसे, क्या बातचीत हुई, कैसे स्वागत किया आपने? जी वो बहुत अच्छे हैं हमारे सादरा क्षेत्र में। कौन अच्छे हैं? केजरीवाल जी और हम ये मनीष सिसोदिया जी अच्छे हैं। हाँ जी। क्या क्या लाभ मिला आप लोग को? हम लोग को ये लाभ मिला जी, हमें दवाइयाँ वगैरह सब चीज की सुविधा है, बच्चों को स्कूल में सुविधा काफी मिली है, तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में यही आए, यही मनीष सिसोदिया आए। हाँ जी। मनीष सिसोदिया से खुश है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मोदी से? अजी उसके इसके जवान है, उसके टाइम में तो हम लोग भूखे ही मर रहे हैं। अच्छा अभी एक पोस्टर लेके घूम रही हैं, देखिए पोस्टर कैमरे पे दिखाइए आप प्लीज। वेलकम वेलकम बैक मनीष जी, क्या कहेंगे, कैसा रहा, कैसा स्वागत किया मनीष जी का आपने? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा, हमें खुशी हुई से वो बाहर आ गए, हमसे मिले, हमें इस बात की बहुत खुशी है। करीब 17 महीनों बाद मनीष सिसोदिया बाहर आए, आप लोग से मिल रहे हैं वही तल्ख अंदाज में। बिल्कुल जी बिल्कुल है, खुश है आप लोग? बहुत खुश है। उनके मनीष केजरीवाल जी और बाहर आ जाए तो हमें और खुशी होगी। हमारे केजरीवाल जी जब से गए हमारा बुरा हाल है, बुरा हाल है, बुरा हाल है। अच्छा आम आदमी पार्टी सरकार से, दिल्ली सरकार से क्या क्या लाभ मिला आप लोग को? हमें बहुत लाभ मिला, औरतों की सुरक्षा के लिए जगह जगह कैमरे लगाए गए, बस फ्री किया गया, स्कूलों में बहुत अच्छा था। बेटा आप कौन क्लास में पढ़ती है? 8th क्लास में। दिल्ली सरकार में पढ़ती है? हाँ। दिल्ली सरकार के स्कूलों में सुविधा कैसा है? दिल्ली सरकार को सुविधा बहुत अच्छी है, अच्छी है? हाँ। हाँ। पढ़ाई अच्छी से होती है। हाँ। बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है स्कूल में, अब पेपर आने वाले हैं, सब स्कूलों में अच्छे पेपर आते हैं, और अब खाने की सुविधा भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अच्छा खाना आता है स्कूलों में, और अच्छी सी पढ़ाई हो रही है स्कूलों में, बहुत अच्छा पानी आता है अब तो स्कूल में, बहुत दवाइयाँ आती हैं स्कूल में, मेडिसिन आती है वो भी बहुत अच्छी सी मिलती है हमें। और स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? शोभाराम। शोभाराम। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ला गुड़िया शादरा। शादरा के सर्कुलर रोड। हाँ जी। मनीष सिसोदिया आपके क्षेत्र में पदयात्रा कर रहे हैं, जनसंवाद स्थापित कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया लग रहा है। उनको रखा गया बिना मतलब रखा गया जेल के अंदर। अच्छा। ये आगे इनको देखेंगे भाई पार्टी हमारी कितनी आगे बढ़ती है। बीजेपी वाले कह रहे हैं ना भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। कैसे रहेंगे उनका कोई मतलब नहीं होता, वो तो कैसे रहेंगे, वो तो इसी तरह दूसरों को भी कहते हैं, वो अपने आप नहीं देखते वो। अच्छा आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं। आम जनता? आम जनता प्यार करती है? हाँ जी करती है। इस बार दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, किसको लाओगे? उन्हीं को लाएंगे, केजरीवाल जी को।